शुभ मध्याह्न बच्चों, स्वागत है आप सभी का पहली कक्षा में। तो कल की क्लास में हम क्या देख रहे थे, अक्षरों का परिचय वो हम देख रहे थे। तो आज के क्लास में क्या देखेंगे उसके आगे के। हाँ, कल की क्लास में देखा है हमने चित्र पहचान कर नाम लिखिए, खाली जगह भरिए और जोड़ियां लगाइए, ये सभी हमने देखा है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे उसके आगे के, मतलब श से लेके श्र तक। हाँ, ये हो गया तो सभी अक्षरों का परिचय जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज क्या है, जो बचे हैं वो सभी हम खत्म करेंगे, अक्षरों का परिचय। अक्षरों का परिचय, ओके। तो उसमें कहाँ से कहाँ तक, श से श्र, श से लेके श्र तक हम आज के क्लास में देखेंगे। तो श से कौन सा शब्द बनता है, देखो इधर है, श से देखो, श ट को न, श ट क क प्लस ओ की मात्रा, को न षटकोण, श से षटकोण, श से षटकोण। तो षटकोण मतलब हेक्सागोन, षटकोण मतलब हेक्सागोन, श से षटकोण। तो आपको क्या करना है, दो दो टाइम लिखना है। ओके, सो यहाँ जगह नहीं है इसके लिए मैं एक ही बार लिख रही हूँ। ओके, तो दूसरा है स, स से या और एक बार लिखेंगे, श से षटकोण, लिख देती हूँ मैं, श से षटकोण। अभी इधर स, स से स ड क, क्या ये स से स ड क क्या हो गया, सब मिलकर सड़क, क्या हो गया सड़क, सड़क मतलब रोड। हाँ, जो हम जाते हैं ना, हाँ, गाड़ी लेके या बस लेके, बस में से जाते हैं तो कहाँ से कहाँ पर से जाते हैं, सड़क पर, है कि नहीं। गाड़ी हमारी टू व्हीलर कहाँ से जाती है, सड़क पर से जाती है। तो सड़क, स से सड़क, सड़क मतलब रोड, सड़क मतलब रोड। तो और एक बार लिखती हूँ मैं यहाँ पर, स न क सड़क, स से सड़क। तीसरा है ह, कौन सा अक्षर है ये, ह, ह से ह ल, ह ल, दो ही अक्षर है, दोनों मिलकर क्या हो गया, हल, ह ल हल। तो हल, हल, हल मतलब क्या, जो बैल होते हैं ना, जमीन ये करने के लिए, जमीन को जोतने के लिए उसका उपयोग होता है, किया जाता है खेती में। हाँ, जो हमारी खेती रहती है गांव में, पुराने जमाने की खेती रहती है, तो उसको जोतने का काम कौन करता है, हल, किसके द्वारा करता है, बैल के द्वारा, बैल को जोड़कर वो हल जोतते हैं, तो वो जमीन पूरी खेती के योग्य बनाते हैं, तो वो हल, हल मतलब एक औजार, खेती करने का एक औजार, हल, हल मतलब लो। लो ह
हसे हल, हसे हल। देखो कौन कौन से, से षटकोण षटकोण, से सड़क सड़क, हसे हल हल। हाँ अभी क्ष, कौन सा शब्द है ये, कौन सा अक्षर है, क्ष। क्ष से क्ष, ये है त्र, त्र कोई की मात्रा त्री, और य क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब वॉरियर, जो हम युद्ध करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉरियर क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय। बाद में त्र, ये है त्र, त्र से ये देखो ये त्र है त्री, श, श को की मात्रा शु, और ल त्रिशूल। त्र से त्रिशूल, त्रिशूल मतलब त्रिदेन, मतलब वो भगवान के हाथ में रहता है ना वो त्रिशूल। TRIDENT ट्रिडेंट मतलब त्रिशूल। अभी ग्य, ये है ग्य, ग्य से देखो ये है ग्य, ग्य को आपकी मात्रा ग्या, ये है न, न को ई की मात्रा नी, ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो बहुत पढ़ाई लिखाई की है वो, लर्न पर्सन क्या बोलते हैं उसको, लर्न पर्सन। तो ज्ञ से ज्ञानी। लर्न पर्सन, लर्न पर्सन। और लास्ट वन है श्र, श्र से श्रवण, श्रवण, श्रवण कुमार मतलब एक श्रवण, ये मतलब क्या है वो, एक लड़के का नाम श्रवण, नेम है वो श्रवण या नेम। श्रवण, ओके। तो ये हो गए आपके अक्षरों का परिचय, श्र से, श्र से लेकर श्र तक। तो ये है आपका क्लास वर्क। और क्या करना है, होमवर्क भी आपको क्या करना है, लिखना है होमवर्क वन टाइम। देखो कौन कौन से शब्द देखे हमने, श, श से षटकोण षटकोण, श से षटकोण, स से सड़क सड़क, श से सड़क, ह से हल हल, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, त्र त्र को की मात्रा त्री, श, श को की मात्रा शु, और ल त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, और श्र, श्र से श्रवण, श्र से श्रवण। तो आज के लिए इतना काफी है। तो ये क्या करो आप, एक बार क्लास वर्क और एक बार होमवर्क के रूप में लिखो, ओके। तो बाकी इसमें से जो है वो कल के क्लास में देखेंगे, कल के क्लास में क्या देखेंगे हम वो मैं कल बताऊंगी, ओके। तो धन्यवाद।